तो हेलो एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल केवीएस चक्कर में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज ऐसे कुछ तीन अपडेट्स मिल चुके हैं यूट्यूब की तरफ से, जो कि आपको सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद रूप हो सकते हैं। तो आज उसी के बारे में आपको पूरे इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या अपडेट्स आए हैं नए, जो कि अभी हाल फिलहाल 2-3 दिनों में ही आए हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। कोई भी अपडेट आपसे मिस हो सकता है अगर आप यूट्यूबर है और आप बिगिनर है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हमारा पहला अपडेट ये है कि अभी आप YouTube स्टूडियो पे पीसी पर, अगर आपके पास पीसी है तो आप YouTube स्टूडियो पे देख ही रहोगे कि आपके रिटर्निंग व्यूअर्स यहाँ पर दिखाते हैं, जो कि ऑडियंस में आपको एनालिटिक्स में सब कुछ दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपको रिटर्निंग व्यूअर्स दिखा सकते हैं। रिटर्निंग व्यूअर्स का ये मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपने जो टॉपिक जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है उस पर आपकी ऑडियंस कितना का अटेंशन है, आपकी ऑडियंस का कितना अटेंशन है, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा रिटर्निंग व्यूअर्स में। अगर आप पहले टॉपिक बनाए हैं उसमें रिटर्निंग व्यूअर्स ज़्यादा आए और इस टॉपिक पर नहीं आया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिस टॉपिक पर आपकी ऑडियंस वीडियोस देखना चाहती है वो आप टॉपिक बनाइए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये अपडेट्स। और इसी में दूसरा वाईटी स्टूडियो में दूसरा अपडेट ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते थे वहाँ पर आपको जो दिखा देता कि 1 to 10 में आपका कितना रैंक में चल रहा है वीडियो, जो आपको पहले लेटेस्ट वीडियो अभी अपलोड किया होगा उस पर कितना रैंक में है, 1 to 10 आपको कितना रैंक है, वहीं पर आपको डैशबोर्ड में दिखा रहा होगा वाईटी स्टूडियो पीसी में। लेकिन अभी ये फ़ोन पर भी आपको वाईटी स्टूडियो में दिखाएगा, तो कैसे, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में ही दिखाएगा। सो गाइस, डैशबोर्ड पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्लिक थ्रू रेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक थ्रू रेट, मतलब इसका मतलब ये है कि आप हमने लच्छा नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लिक थ्रू रेट अगर आपका कम होगा तो आपको थंबनेल में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए सो गाइस, दूसरा अपडेट ये है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप अगर इससे इनकम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉलर में यहाँ पर दिखाएगा, जो भी आपकी इनकम होगी डॉलर में दिखाएगा। उसमें भी कुछ चेंज आया, जो आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी मतलब देखना चाहे, या इंडियन रुपीस में देखना चाहेंगे, या कोई भी मतलब आप कैसे कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा डॉलर इतना है तो आपका पैसा कितना होगा, तो अभी ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर सेटिंग्स में आपको दिखाएगा कि आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देना है, तो आपको इंडियन रुपीस में अपना इनकम दिखाएगा। सो गाइस, हमारा तीसरा अपडेट ये है कि बॉटम नेविगेशन आ चुका है, जो कि आपको वाईटी स्टूडियो पर पीसी में तो सबसे पहले था ही, लेकिन अभी यूट्यूब स्टूडियो वाईटी स्टूडियो में मोबाइल पर भी आपको दिखेगा। वो कैसे कि आपको मोबाइल स्टूडियो की जो एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाएगा कि होम पेज और वीडियोस और कमेंट्स, ऐसे कई सारे ऑप्शन नीचे दिखाई गए, इसको तो बॉटम नेविगेशन बोला गया। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा बॉटम नेविगेशन, जो कि बॉटम नेविगेशन से अपडेट हमें मिल चुका है। तो गाइस, यही तीन छोटे अपडेट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे तो उसके लिए चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय स्वामीनारायण।